Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to learn how we can interface servo motor to our ESP32. ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग एनालॉग रीड, एनालॉग राइट, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं. आज क्या करेंगे, सर्वो मोटर का इंटरफेस करेंगे और ES32 का जो हमारा PWM टेक्निक है उसको यूज करके हम लोग सर्वो का डिग्री कंट्रोल करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर. तो ये हमारा प्रोग्राम था, आप देख सकते हो, या हम एलईडी ब्राइटनेस करने के लिए यूज किए थे. हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे. ठीक है, मैं जाऊंगा ES32. यहां पे एक फोल्डर क्रिएट, यहां पे मैं सेव कर लूंगा. सॉरी, एक काम करता हूं, इसको सेव आज सर्वो सर्वो कंट्रोल. ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम, ये सारा का सारा प्रोग्राम का लिंक मैं गिटहब में डाल दिया हूँ, आप जाके वहां से डाउनलोड करके रेफरेंस ले सकते हो. तो ये कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, पहले मैं सब कुछ हटा देता हूँ. ठीक है, तो ये बेसिक. तो हम लोग सर्वो मोटर को यूज करने के लिए ES32 में लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी करेंगे. ठीक है, ये मेरा लाइब्रेरी है, इसको आप लोग इंक्लूड करना पड़ेगा जब सर्वो मोटर को यूज करोगे. को सेव कर लिया. तो अभी क्या करेंगे, पहले सर्वो को डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सर्वो के नाम से, जिसका नाम है सर्वो. ठीक है, तो यहां पे कौन सा पिन में मैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करूंगा वो पहले चेक करोगे. ठीक है, अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा है ना सर्वो का, अगर फाइल में जाओगे देन एग्जाम्पल में जाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी सर्वो का दिया रहेगा. यहाँ पे देखो सर्वो ES32 का कोई भी एक प्रोग्राम लेके आप रेफरेंस भी ले सकते हो. देखो क्या क्या है, बेसिकली इंक्लूड सर्वो पिन डिक्लेयर किया, जैसे मैं डिक्लेयर किया सर्वो डॉट एच, देन सर्वो ऑफ सर्वो वन डिक्लेयर किया, जैसे कि सर्वो मेरा क्या था क्लास, और ये उसका ऑब्जेक्ट, मैं सर्वो डिक्लेयर कर लिया. देन क्या करना पड़ेगा, सर्वो को अटैच करना पड़ेगा पर्टिकुलर पिन से. तो हम लोग बेसिकली सर्वो को कौन से पिन में इंक्लूड कर रहे हैं वो आप जाके एक बार देख चेक कर लेना ES32 का. डू इट ES32 डेव किट पिन आउट. ठीक है, तो मैं सपोज क्या करूंगा, GPIO 23 में कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी पिन में कनेक्ट कर सकता हूँ. सपोज पिन नंबर 23 में कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सर्वो डॉट अटैच. ठीक है, यहाँ पे 23, तो कौन सा पिन में मैं इंक्लूड किया हूँ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि मेरा सर्वो कितना डिग्री रोटेट किया वो चेक करने के लिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सीरियल डॉट बिगिन. ठीक है, 9600. तो यहां पे सीरियल बिगिन कर लिया. तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अभी एक फॉर लूप ले लूंगा, फॉर ठीक है, देन यहां पे आप देख सकते हो
सर्वो को ऑन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सर्वो राइट देन उसका पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आई जो है वो हमारा कितना डिग्री हम रोटेट करना चाहते हैं वो करेंगे। तो यहां पे क्या करूंगा, सर्वो डॉट राइट देन आई, ठीक है। देन उसके बाद कुछ डिले ऑफ 10 मिलीसेकंड, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट चाहूंगा, सपोज मुझे 90 डिग्री को डायरेक्ट रोटेट करना है, तो आई कैन राइट सर्वो राइट 90। अगर मुझे 120 डिग्री को रोटेट करना है तो सर्वो राइट 120, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर्वो मेरा 0 से 180 डिग्री रोटेट करते जाएगा, ठीक है। देन अगेन फिर 0 से 180 डिग्री ऐसे होता रहेगा, ठीक है। उसके लिए ये मैं कर लिया। देन यहां पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सीरियल डॉट प्रिंट ln और यहां पे लिख लूंगा, सॉरी यहां पे i को प्रिंट कर लूंगा। तो क्या होगा, जितना डिग्री रोटेट करेगा वो वहां से शो करेगा, मतलब सीरियल मॉनिटर में मेरा शो करेगा। उसको मैं सेव कर लेता हूं, टूल्स सिलेक्टेड है। अभी क्या करेंगे, कनेक्शन में जाएंगे तो कैमरा पे यहां पे देखो, यहां पे मेरा सर्वो मोटर है, ठीक है, सॉरी नोड ES32 है। तो ES32 का सर्वो को सप्लाई देने के लिए हमको 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे मुझे 5 वोल्ट ग्राउंड मिल जाएगा, तो 2 वायर ले रहा हूं जो 5 वोल्ट ग्राउंड को कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और दूसरा वाला मैं कनेक्ट करूंगा D23 में, तो इसको निकाल के तो ये D23 में कनेक्ट कर लिया। तो क्या करूंगा, अभी ये वाला पिन D23 वाला जाएगा मेरा सर्वो मोटर को। देखो सर्वो मोटर में 3 पिन है, ठीक है, एक ब्राउन, एक रेड और एक येलो। तो ब्राउन जो है ग्राउंड, रेड जो है 5 वोल्ट और येलो जो है वो मेरा सिग्नल पिन। तो येलो को मैं D23 में कनेक्ट कर लूंगा, तो येलो को D23 में कनेक्ट कर लिया। रेड और ग्राउंड, बीसीसी और ग्राउंड, ये दोनों को मैं बीसीसी ग्राउंड नॉर्मल कनेक्ट कर लूंगा। तो रेड मेरा बीसीसी है, तो यहां पे ऐसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। बहुत ही बेसिक कनेक्शन है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, नॉर्मल है। और ये मेरा सर्वो मोटर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मैं कनेक्ट करता हूं और प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो आई विल गो टू टूल्स, कंपोर्ट सिलेक्टेड है, लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। कुछ एरर आ रहा है, ओके, सर्वो डॉट एच, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले एरर को जाकर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। पहले काम करते हैं इसको, पहले देखते हैं क्या है, हम लोग कुछ गलत किए क्या। अच्छा, तो यहाँ पे इसको ऐसे करना पड़ेगा, देन लेट्स चेक कुछ एरर आ रहा है क्या।
हाँ यहाँ पे डॉट, इतना गलती मैं करता हूँ ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया था और यहाँ पे डॉट नहीं दिया था। ठीक है, तो लेट्स अपलोड। पहले कंपाइल कर रहा था, अभी अपलोड कर लेंगे, तो आई थिंक बहुत जल्दी हो जाएगा अपलोड। ठीक है, अपलोड चल रहा है, अभी हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वो मोटर रोटेट हो रहा है 0 डिग्री से, फिर 180 डिग्री ऐसे रोटेट हो रहा है। तो अभी क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे 0 से 180 जा रहा है, ऐसे 180 से 0 भी आ रहा है। देखो 0 से 180 स्पीड स्लो स्लो में जा रहा है, देन बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है 0 डिग्री से, 180 से 0। तो उसको मैं रिवर्स कंडीशन लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ फॉर लूप को कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और हाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 0 से 180। तो मुझे अभी क्या करना है, आई मेरा 180 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 180 इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है, देन आई माइनस माइनस, तो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा और काम करेगा अच्छे से। ठीक है, तो सर्वो मोटर अभी कैसे काम करेगा, स्लो स्लो 0 से 180 डिग्री जाएगा, देन 180 से अगेन 0 डिग्री आएगा। ठीक है, अभी प्रोग्राम अपलोड चल रहा है, देखो स्लो स्लो जा रहा है, देन अगेन स्लो स्लो रिवर्स आ रहा है। हाँ आपको पता चल रहा होगा ये एक्यूरेटली 180 डिग्री रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनकोडर उसका बाय डिफॉल्ट सेट किया जाएगा, वो शायद कैलकुलेशन में थोड़ा गलती वो लोग किए होंगे, सो दैट 180 डिग्री अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक हाउ वी कैन कंट्रोल ए सर्वो मोटर यूजिंग आवर US-32। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, देन उसको लेकर आप बहुत सारे चीज कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया, देन आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए और आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और ये सारा प्रोग्राम आपको गिटहब में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दिया हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।